हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। मैं पहले प्रॉब्लम को रीड करता हूँ। एक बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन स्कूल। एक स्कूल में एग्जीबिशन लगती है, प्रदर्शनी लगती है, 4 दिनों के लिए लगती है और उसके टिकट बिकते हैं। चारों दिनों के टिकट की जो संख्या है वो दी गई है। पहला दिन है 1092, दूसरा दिन है 1812, तीसरा दिन है 2050 और चौथा दिन है 2751। 4 दिनों के टिकट्स की संख्या दी गई है और कहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, यानी कि 4 दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए ये हमें पता लगाना है। तो पहले हमें देखिए कि प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले ये सोचना है कि इसमें हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो आपको देखिए टोटल लिखना है। टोटल का मतलब क्या होता है? ऐड होता है। सिंपली 4 फिगर्स दिए, टोटल निकालना होता है, हमें क्या करना है इसमें ऐड करना है। अब आती है कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो लैंग्वेज तो थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी और लैंग्वेज भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो हम लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, लेट अस सी। लैंग्वेज को आसान करने के लिए हमने क्या किया, एक टेबल बना ली यहाँ पर इस तरह से। हमने एक तरफ लिख दिया डे और लिख दिया नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ हमने डे में लिखा फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में कितने 1094। सेकेंड डे में कितने हैं 1812। थर्ड डे में कितने हैं 2050। इस तरह से बना लेंगे और फोर्थ डे में 2751। इस तरह से हमारी टेबल रेडी हो जाएगी और पढ़ने में भी अच्छी लगेगी। 275 सिस्टमेटिक तरीके से हमने नंबर्स को लिख लिया, ये हमारी टेबल तैयार होगी। अब हमें नंबरों का टोटल करना है। तो हम जब नंबरों का टोटल करेंगे तो हेडिंग नीचे क्या आएगी, यहाँ पे आएगा टोटल, TOTL क्या आ गया टोटल। ये हमारी टेबल यहाँ पर आंसर कम्प्लीट होगा। जरा ऐड करते हैं 4 और 2 6 और कितना हुआ 7, 9 और 1 10 और 5 15 और 5 कितना हुआ 20, कैरी आया 2 2 8 10 और 7 कितना हुआ 17, कैरी आया 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 2 कितना है 7। तो हमारी टोटल बुक्स की संख्या कितनी होगी 7707 बुक्स। बुक्स नहीं है बल्कि क्या है, नंबर ऑफ टिकट्स। तो इतने टिकट्स आपके सोल्ड किए गए, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा हमने कितने सिस्टमेटिक तरीके से ये टेबल बनाई, इसको आप नोट कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको जब भी कभी लैंग्वेज बनाए तो बहुत ही लैंग्वेज सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, देखने में समझ में आना चाहिए डाटा हमारा, तभी एग्जामिनर अच्छे से चेक करके आपको नंबर भी दे देगा। हमेशा एग्जाम में जब भी हम क्वेश्चन करें तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो हम लिख रहे हैं वो बहुत ही बहुत बढ़िया होनी चाहिए और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करेंगे और हमारे नेक्स्ट लेक्चर का तब तक आप वेट